अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां परिवहन विभाग द्वारा माह अक्टूबर 2022 में चेकिंग के दौरान 1436 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 14 यात्री वाहन एवं 45 माल वाहन बिना परमिट पकड़े गए। चेकिंग के दौरान जिले में 205 ओवरलोड यात्री वाहन और 368 माल वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बिना प्रदूषण के 15 किराया सूची के ना चस्पा होने पर 95 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग द्वारा यह कार्रवाई आरटीओ रीवा के साथ रीवा चौक और हनुमना में की गई। इस प्रकार कुल 1436 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग द्वारा 24,88,000 का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा चेकिंग के दौरान ही 93 वाहनों से 40,61,000 रुपये का मध्य प्रदेश शासन का बकाया कर जमा कराया गया।